नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सतगावा प्रखंड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावा के प्रांगण में फलेरिया बीमारी से बचाव को लेकर एमपीए 10 जनवरी से 25 जनवरी तक चलने वाले कार्यक्रम को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ सतगावा प्रखंड विकास पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव, सामुदायिक स्वास्थ्य सतगावा प्रभारी डॉक्टर सत्यनारायण भगत, प्रमुख प्रतिनिधि राम अवतार चौधरी, सांसद प्रतिनिधि अनिल कुमार यादव, पंकज कुमार, डीपीसी कुडरमा और प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक मनोज राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें बताया जाता है कि यह कार्यक्रम 10 फरवरी से 125 बूथ पर और 11 फरवरी से 25 फरवरी तक घर घर जाकर 2 वर्ष से ऊपर सभी बच्चे और बच्चियों, युवा महिला पुरुष को डीईसी टैबलेट और एल्बेंडाजोल टैबलेट के द्वारा लोगों को खिलाया जाएगा, जिसमें फाइलेरिया की बीमारी से बचाव किया जा सके। वहीं सतगावा प्रखंड विकास पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा कुछ पंचायतों में जाकर माइक के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को बताया गया आने वाले 11 से 25 फरवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर और सतगावा स्वास्थ्य विभाग में फाइलेरिया से बचाव के लिए लोगों को मुफ्त में दवाइयां दी जाएंगी, जिसका हर एक पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आने वाले दिनों में फाइलेरिया रोग से लोग ग्रसित ना हों, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 10 फरवरी 2023 फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज का विधिवत उद्घाटन किया गया है दवा खा करके, और उसके बाद हम लोग सार्वजनिक रूप से ग्राम पंचायत समरडी, बासोडी, खुट्टा और मरचूर पंचायत में जाकर के लोगों को दवा खिलाने का काम किए हैं, साथ ही प्रचार प्रसार भी किए। आज पूरे प्रखंड क्षेत्र में बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है, और कल से यानी 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरे ब्लॉक में सैया और आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से घर घर जा करके और फाइलेरिया रोधी दवा दिया जाएगा, और हमारा प्रयास है कि पूरे प्रखंड को फाइलेरिया मुक्त किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी गणमान्य नागरिकों और आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग बेझिझक इसकी दवा लें, क्योंकि फाइलेरिया एक ऐसा बीमारी है जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं, उसका बचाव ही एकमात्र कारगर इलाज है, जिसके लिए दवा खाना जरूरी है। सभी लोग समय से दवा ले लें और अपने भविष्य के लिए स्वस्थ रहें। सर, इसका कोई लक्षण है इस बीमारी का? सर, इसमें आप देखेंगे कि आम बोलचाल की भाषा में हाथी पाव बोला जाता है। अब देखते हैं हमें, जिनको भी फाइलेरिया होता है तो उनका पैर धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाता है और एक काफ़ी खतरनाक स्थिति में आ जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हाइड्रोसिल का भी इससे शिकायत होने की संभावना ज़्यादातर रहती है, तो लक्षण मुख्य रूप से पाँव फूलना और हाइड्रोसिल ये उसमें दिखाई देता है। इसलिए हम फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि सभी लोग दवा अवश्य लें। ये कार्यक्रम झारखंड के मतलब हमारे झारखंड से स्टार्ट प्रोग्राम है, बाकी जिला में पहले हो चुका है, इस जिला में अभी शुरुआत किया गया है। आज से 10 फरवरी 2023 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक जो हाथी भाव जिसको कहते हैं, इसको फाइलेरिया बोला जाता है, इसका उन्मूलन के लिए मास्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का दवा चलाया जाएगा 10 फरवरी 2023 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक, ताकि किसी को ये बीमारी हो ना, क्योंकि इस बीमारी जब से स्टार्ट हो मच्छर काटेगा उसको होने में 7 से 9 साल तक टाइम लगता है, और ये एक लाइलाज बीमारी। इसको दूर करने के लिए, बीमारी हो जाने के बाद इसका कोई चारा नहीं है कि इसको ठीक कर पाएंगे, लेकिन इसको बचाव के लिए हम लोग को दवा खिलाना है और सब जनता को इसलिए जागरूक किया जा रहा है ताकि दवा खाएं और इस बीमारी को दूर भगाएं। जहाँ देखिए, जहाँ सबसे ज़्यादा फाइलेरिया जोन है, फाइलेरिया जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा मिलने का पॉसिबिलिटी होता है या जहाँ जहाँ मिलता है, उस डिस्ट्रिक्ट में इसको चालू किया जाता है प्रोग्राम में। तो हमारे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में अभी इस बार लॉन्च हुआ है, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, इसमें हमारे सतगावा ब्लॉक भी पड़ता है, तो
इसको ज़्यादा बीमारी फैले नहीं और इसको हम लोग कैसे रोकथाम कर सकते हैं, रोका या कैसे रोका जाए, इसके चलते इस जागरूक प्रोग्राम है और इसको दो दवा खाना है। इसमें आपका डीसीफोर्ट है और एल्बेंडाजोल टेबलेट है। व्यवस्था किया गया है, अभी आज से शुरुआत हुआ है, आज हम लोग CSC से ही शुरुआत किए हैं। इसका आंगनबाड़ी सब केंद्र में सब जगह पहुँचा दिया गया है। कल से प्रोग्राम है कि डोर टू डोर, मतलब घर से प्रत्येक घर पे घर पर घर घर पहुँचाया जाएगा सबको और सबको उसी पर खिलाया जाएगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।